फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जब हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स यूज होते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेंसी फैक्टर हो गया, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी जो है रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल है। एज फैक्टर हो गया, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की एज क्या है, कब बनी थी, 1970 में, 1980 में, 2001 में, 2010 में, एज फैक्टर हो गया। तीसरी चीज स्ट्रक्चर फैक्टर, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी जैसे कि आपकी दुकान या आपका घर पक्का बना हुआ है या कच्चा बना हुआ है, तो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर फैक्टर होता है। तो अलग अलग टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं वह यूज़ होते हैं आपका प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन के लिए। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इन सभी फैक्टर्स को MCD ने एक कोडिंग दे रखी है। कोडिंग से मेरा मतलब है एक वैल्यू फिक्स कर रखी है जिसका यूज़ हम करते हैं अपना प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन के लिए। लेकिन बहुत से लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स कम पे करने के लिए, यानी कि वो चाहते नहीं है कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स पूरा पे किया जाए, कम पे करने के लिए उस कोडिंग का गलत यूज़ कर रहे हैं ताकि हाउस टैक्स कम कैलकुलेट हो और उन्हें कम पे करना पड़े। MCD को पता चला है कि काफ़ी लोग एज फैक्टर को लेके गड़बड़ी कर रहे हैं। जैसे किसी का मकान 2021 में बना है, वो लिख रहा है 2001 में, तो उससे इम्पैक्ट क्या आता है, इम्पैक्ट ये आता है कि प्रॉपर्टी टैक्स कम पे करना पड़ता है। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं एज फैक्टर, जो मकान या दुकान या जो भी प्रॉपर्टी आपकी 2020 से लेकर 2029 के बीच में बनती है या बनी है उसका एज फैक्टर होगा 1.2। 2010 से 2019 के बीच में जो प्रॉपर्टी बनी है उसका एज फैक्टर रहेगा 1.1। सन 2000 से लेकर 2009 तक की प्रॉपर्टी का जो एज फैक्टर रहेगा वह रहेगा 1। 1990 से लेकर 1999 तक की जो प्रॉपर्टी रहेगी उसका एज फैक्टर रहेगा 0.9। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं ये एज फैक्टर है। अब हो क्या रहा है, जिसने घर बनवाया है 2021 में तो उसको अपने प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू को 1.2 से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा जिसने प्रॉपर्टी टैक्स भरा होगा। तो वे लोग बता रहे हैं कि उनका जो घर है 2021 में ना बन के 2001 में बना है, तो 2001 का एज फैक्टर है 1.0 और 2021 का एज फैक्टर है 1.2। तो सपोज जैसे आपको 100 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 रुपये आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करते समय अपना एज फैक्टर गलत बता के लोग प्रॉपर्टी टैक्स में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ MCD कार्रवाई करने जा रहा है। वहीं MCD के इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला है कि 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उसमें मैक्सिमम जो है ना कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी MCD सख्त एक्शन लेगा। उन लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उनको नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पे उनके खिलाफ मुकदमे किए जाएंगे। MCD ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जब भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करें तो अपना सही एज फैक्टर लिखें, उसमें किसी भी तरह का गलत मत लिखें, क्योंकि इन फ्यूचर यदि आपका जो गलती है यदि सामने आती है तो अननेसेसरी का इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी भी लगेगी। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।